कैसे हो आप सब, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जाएंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड इतनी टेस्टी होती है गर्मियों में, तो बहुत ठंडा ठंडा इतना अच्छा लगता है। अब कोई भी फ्रूट के साथ आप बना सकते हो, उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। आइए हम शुरू करते हैं। हमने 1 किलो दूध ले लिया है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है, तो अब हम इसको उबाल लेते कस्टर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अच्छी तरह उबल जाएगा, फिर हम कस्टर्ड इसमें डालेंगे। हमने ये कस्टर्ड ले लिया है, अब हम दूध में डालते हैं। ठीक है, 2 चम्मच हमने डालना है दूध में, ठंडा दूध में हम कस्टर्ड डाल रहे हैं। ये 1 चम्मच डाल दिया है, ये 2 चम्मच डाल रहे हैं। अब कोई भी फ्लेवर का आपका जो भी पसंद है वो ले सकते हो। अब इसको हम मिक्स करते हैं। ये दूध हमारा हो गया, काफी उबल गया है। अब हमने कस्टर्ड जो किया है उसको मिक्स करके इसमें हम डाल देते हैं। इसमें गिटलियां नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, जैसे मेरा है ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम डालते, अब हम इसमें सारा डाल देंगे। जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको हिलाते जाएंगे। ठीक है, हमने चीनी ली है, 2 चम्मच चीनी ली है, हम चीनी भी डाल देते क्योंकि फ्रूट में भी चीनी है ना, उस करके कम चीनी डालना है। आप अपने स्वाद अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप डाल सकते, तेज भी डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि फ्रूट में तो ऑलरेडी चीनी होता ही मीठा होता ही है। ये देखिए हमारा ये थिक सा होने लगा है, थोड़ी सी और हम इसको थिक सा करेंगे। ठीक, ये देखिए हमारा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए काफी अच्छा गाढ़ा लग रहा है। इतने ही अपने गाढ़ा रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस और हम ठंडा होने देंगे इसको। ठीक है, ये हमने फ्रूट लिया है, ये हमने ड्राई फ्रूट लिया, आप जो मर्जी ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। ये हमने बनाना लिया है, ये हमने तरबूज लिया है, ये तरबूज है, ये तरबूज है, आपने ऐसे ही काटना है। ठीक है, तो आपने ऐसे ब्रेक ब्रेक काटना है, बनाना को भी ऐसे काटना है। ये हमारा खरबूजा है, आप कोई भी आपका जो पसंद है फ्रूट वो डाल सकते हो। मुझे ये सारा पसंद है और मैं ये डाल रही हूँ, आप जिसको आपको जौन सा भी फ्रूट पसंद है वो डाल लेना। ठीक है, ये ठंडा हो गया, ये देखिए काफी ठंडा हो गया। अब इसमें हम फ्रूट डालेंगे, ये सारा फ्रूट डाल देते हैं, ये हमने सारा डाल दिया, खरबूजा को भी डाल दिया, बनाना को भी डाल दिया। अब हम ये जो ड्राई फ्रूट काटे हैं सारे वो डाल देंगे हम, फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जब तक ठंडा होता है तब तक हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, अब हम 2 से 3 घंटे फ्रिज में। ये देखिए हमारा कस्टर्ड कितना अच्छा हुआ, ठंडा भी हो गया है, तो कितना बढ़िया, ये बनाने में भी बहुत आसान है। आइए अब हम खाते हैं, चलो हम खाते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी है। आप भी बनाइए, आप भी खाइए और अपनी फैमिली को बना के खिलाइए। और आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना।